lessons. So first lesson is on the topic of attention, and आज जो हम चीज़ें कवर करने जा रहे हैं वो है नेचर ऑफ अटेंशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटेंशन, थ्योरीज ऑफ अटेंशन एंड सम प्रोमिनेंट एक्सपेरिमेंट जो अटेंशन की फील्ड में हुए हैं और वो हमारे एंट्रेंस पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट हैं। सो हाँ, तो जब भी हम किसी नए टॉपिक के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो है उसकी डेफिनेशन। तो अभी आपकी स्क्रीन पे एक डेफिनेशन है अटेंशन की, विच वॉज गिवन बाय स्टर्नबर्ग। और आप जितनी भी डेफिनेशंस देखेंगे अटेंशन की, एक चीज़ जो आपको कॉमन मिलेगी वो ये कि इट इज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी, इट इज़ अ लिमिटेड मेंटल रिसोर्स। किसी ना किसी तरीके से, मे बी यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स, यही चीज़ कही गई है कि अटेंशन लिमिटेड है। इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव एन अनएंडिंग सोर्स ऑफ अटेंशन, या हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है हर चीज़ को अटेंड करने की। सो वाई आर वी कॉलिंग इट लिमिटेड? सो आप अभी जहाँ पे भी हैं, जिस भी सर्कमस्टांस में हैं, जस्ट ऑब्जर्व अराउंड यू कि अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेसन गोइंग ऑन योर स्क्रीन्स, आसपास आपके क्या क्या हो रहा है। किसी ना किसी तरीके का बैकग्राउंड नॉइज़ होगा। अगर आसपास कुछ मशीन चल रही है तो उसका कुछ साउंड होगा। अगर आसपास लोग हैं तो उनके बोलने का साउंड होगा। अगर उस तरीके का स्टिमुलस नहीं है, नॉट जस्ट ऑडिटरी स्टिमुलस, देयर कुड बी मल्टीपल विजुअल स्टिमुलस। कुछ चीज़ रखी होगी जो बार बार आपका अटेंशन ग्रैब कर रही होगी। कोई बहुत कलरफुल सा कुछ सामान होगा जिसकी तरफ बार बार आपकी नज़र जा रही होगी। कोई फोटोग्राफ होगा, समथिंग और दी अदर। मे बी अगर फ़ोन है तो डेफिनेटली हर दो मिनट पे आपका ध्यान वहाँ जा रहा होगा। बट इन बिटवीन और अमिडस्ट ऑल दीज स्टिमुलस, यू आर चूजिंग, और आई एम होपिंग दैट यू आर चूजिंग टू अटेंड टू दिस लेसन। तो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट लिमिटेड रिसोर्स, क्योंकि अगर मैं चाहूँ भी तो मेरे आसपास जितने भी स्टिमुलस हैं, मैं हर चीज़ को अटेंड नहीं कर सकती। और अगर मैंने कर भी लिया तो उसकी कोई इफेक्टिवनेस नहीं होगी, बिकॉज आई वोंट बी एबल टू प्रोसेस एवरीथिंग ऑल एट वंस। हर चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप लेके ही चल सकती हूँ। ऑल्सो अ लॉट डिपेंड्स कि जो स्टिमुलस है जिसको आप अटेंड करना चाहते हैं उसकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपको पता है अभी आपको लेसन पे ध्यान देना है, तो डिस्पाइट जो भी आपके आसपास बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा, आप इस चीज़ को अटेंड कर पा रहे हैं। अगर कोई इम्पॉर्टेंट आपको फ़ोन कॉल अटेंड करना है तो हो सकता है आप इस लेसन को पॉज कर दें एंड यू अटेंड दैट कॉल एंड देन यू कम बैक हियर। सो डिपेंडिंग कि उस स्टिमुलस की इम्पॉर्टेंस क्या है, उसको आप कितना प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसका नेचर क्या है। अभी तो मैं बस प्रायोरिटी के लेवल पे बात कर रही हूँ। आगे आगे जब हम लेसन प्रोसीड करेंगे, देन वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट डिटर्मिनर्स ऑफ अटेंशन, कि मैं किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस को अगर अटेंड कर रही हूँ तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। मे बी देर कुड बी समथिंग इन मी एंड समथिंग रिगार्डिंग द स्टिमुलस, जिसकी वजह से ओनली दैट स्टिमुलस इज बीइंग अटेंडेड। मूविंग ऑन, जब भी हम अटेंशन के बारे में पढ़ते हैं तो ये दो चीज़ें आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी कि इट इज़ अ ऑटोमेटिक प्रोसेस एज वेल एज कंट्रोल प्रोसेस। सो जो ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, ये वो टास्क होते हैं या वो स्टिमुलस होते हैं जिनको हम बहुत पहले से अटेंड करते आए हैं, एंड नाउ वी आर काइंड ऑफ यूज टू इट, और हमारी प्रैक्टिस बहुत हो चुकी है इस तरीके के स्टिमुलस से डील करने की। फॉर एग्जांपल, अभी अगर आप इस लेसन को सुन रहे हैं और आप साथ साथ कुछ ना कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं, तो आप वो बहुत आसानी से कर पाएंगे। इट्स नॉट लाइक कि आपको एक वर्ड लिखने के लिए इस पूरे वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, क्योंकि किस तरीके से लिखना है अब वो चीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है, इतनी ज़्यादा स्किल्ड हो चुकी है कि आप वो साथ साथ कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस कंट्रोल या एफर्ट नहीं डालने पड़ रहे हैं, और आप वो बहुत एफर्टलेसली कर लेंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको कोई नया स्टिमुलस प्रेजेंट करा जाए, कोई नई इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो उसको समझने में, उसको जानने में आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको किन्हीं 10 लोगों के नाम लिखने, तो अगर आपको अपना नाम लिखना होगा उसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, शायद आप बात करते करते लिखें।
लेकिन वहीं अगर किसी आप ऐसे व्यक्ति का नाम लिखना है जिन्हें आप जानते नहीं या फिर वो नाम ही आपने पहली बार सुना है, तो इट इज़ गोइंग टू टेक यू अ बिट मोर एफर्ट टू राइट द नेम, राइट? बहुत माइन्यूट सा एफर्ट होगा वो, बट इन कंपैरिजन टू राइटिंग योर ओन नेम, दिस इज गोइंग टू टेक बिट मोर अटेंशन और एफर्ट. सो जो कंट्रोल प्रोसेसेस होते हैं, ये उन टास्क के लिए होते हैं या उन स्टिमुलस के लिए होते हैं जो मैं अभी नया नया सीखने की कोशिश कर रही हूँ या जो मेरे लिए बहुत नई है. तो यहाँ पे मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बहुत बाकायदा एक एक स्टेप करके जाऊँगी. इट्स नॉट लाइक कि जैसे मैथ्स के सम्स होते हैं, तो अगर मैं पहली बार करना शुरू कर रही हूँ तो मैं जो प्रॉपर एक एक स्टेप को लिख के करूँगी, बट अगर उस चीज़ में मेरी प्रैक्टिस हो गई है तो आई कैन स्किप जो बीच के कुछ स्टेप्स होते हैं उनको मैं स्किप करके जो मेजर पोर्शंस होते हैं, जो मेन स्टेप्स होते हैं, मैं सिर्फ उनको लिखूंगी, बिकॉज नाउ इट हैज़ बिकम काइंड ऑफ एन ऑटोमेटिक प्रोसेस फॉर मी. सो दिस वॉज द ऑटोमेटिक एंड कंट्रोल प्रोसेस. जो अटेंशन में आपको इनिशियली जब आप अटेंशन पढ़ना शुरू करते हैं तो ये चीज़ें आपको दिख जाती हैं कहीं ना कहीं. एंड इसके अलावा यहाँ पे कंट्रोल प्रोसेस में मैंने एक चीज़ मेंशन करी है, कॉन्शियस कंट्रोल, बट ऑटोमेटिक प्रोसेस में आई हैव नॉट नेम्ड अनकॉन्शियस कंट्रोल, क्योंकि ये अनकॉन्शियस नहीं होता. जो वर्ड हम ऑटोमेटिक के लिए यूज़ करते हैं दैट इज़ नॉन कॉन्शियस, एंड देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. व्हेन आई एम सेइंग समथिंग इज़ अनकॉन्शियस, दैट मीन्स आई एम टोटली अनअवेयर ऑफ इट इज़ हैपनिंग. बट वेन आई से नॉन कॉन्शियस, दैट मीन्स कि वो चीज़ साथ साथ हो रही है बट इट इज़ नॉट टेकिंग माई मेंटल स्पेस और माई इंटेंशनल एफर्ट उस चीज़ को करने के लिए. जैसे जो भी मैं आपको नाम लिखने वाला एग्जाम्पल दे रही थी या ये वीडियो देखते देखते जो आप साथ साथ अपने नोट्स बना रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है. आप साथ साथ लिख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो दैट इज़ नॉन कॉन्शियस. इट्स नॉट लाइक कि आप कम्प्लीटली अनअवेयर हैं कि आप नोट मेकिंग कर रहे हैं. इट्स जस्ट दैट यू आर सो स्किल्ड और सो प्रैक्टिस्ड इन दैट पर्टिकुलर थिंग कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. तो नेवर गेट कन्फ्यूज बिटवीन दीज टू टर्म्स, नॉन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. नेक्स्ट, अभी ये जो आप कुछ हाईलाइटेड टर्म्स देख रहे हैं ये वो चीज़ें हैं जो हमें दिखाते हैं कि अटेंशन किस किस तरीके से मैनिफेस्ट होता है. अटेंशन इज नॉट ऑलवेज यू नो कि एकदम से कोई आवाज़ आई और आपने उसकी तरफ देख लिया, सिर्फ वो दायरा नहीं है अटेंशन का. उसके बहुत तरीके के मोडालिटीज़ होती हैं अटेंशन की भी. सो मेंटल सेट इज़ आपके सामने 10 तरीके के स्टिमुलस हैं, बट यू नो दैट यू नीड टू चूज ओनली वन, और बाकी जो स्टिमुलस होंगे उसको आपको किसी ना किसी तरीके से एक्सक्लूड करना होगा. फॉर एग्जांपल, जब कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन फील्ड पे होता है, किसी भी तरीके का वो स्पोर्ट्स खेल रहे हों, तो बहुत प्रोमिनेंट स्टिमुलस होते हैं उनके आसपास. ऑडियंस का शोर होता है, उनके अपने टीम मेट्स उनसे शायद कुछ बोल रहे होंगे, एंड देन ऑपोजिशन टीम के लोग हैं. अगर हम किसी बैट्समैन का एग्जांपल लें तो जो नेक्स्ट बॉल डिलीवर होने वाली है वो उनका अटेंशन हो सकता है. सो इन बिटवीन ऑल दीज अटेंशन दे आर प्रायोरिटाइजिंग वन ओवर दी अदर. सो दैट्स देयर मेंटल सेट कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कौन से पर्टिकुलर स्टिमुलस को दे आर विलिंग टू अटेंड. नाउ कमिंग टू शिफ्ट इन अटेंशन, दिस मीन्स कि हमारे बहुत तरीके के सेंसरी मोडालिटीज़ होती हैं, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं हर टाइम सिर्फ किसी चीज़ को देख कर ही अटेंड करूँ. हो सकता है कभी यू नो आई एम लिसनिंग टू समथिंग, सो फ्रॉम विजुअल टू ऑडिटरी आई एम चेंजिंग माई अटेंशन. कभी कभी हो सकता है कि मैं किसी चीज़ को स्मेल कर रही हूँ, अगर मैं किसी यू नो खाने पीने के स्टोर के आसपास हूँ तो वो मेरा अटेंशन ग्रैब कर सकता है. देन अटेंशन फ्लक्चुएट्स विद इन पर्टिकुलर सेंसरी फील्ड ऑल्सो.
अभी हम बात कर रहे थे कि हम हमारा जो अटेंशन होता है वो विजुअल हो सकता है, ऑडिटरी हो सकता है, स्मेल हो सकता है, टच हो सकता है. सो जितने भी हमारे सेंसेस होते हैं, सेंस ऑर्गन्स हो सकते हैं, हम हर मोडालिटी को यूज़ कर सकते हैं टू अटेंड अ पर्टिकुलर स्टिमुलस. अटेंशन फ्लक्चुएटिंग इज विद इन वन पर्टिकुलर सेंसरी फील्ड. तो अगर मैं विजुअल की बात करूँ, सो इफ अगर मैं किसी मॉल में गई हूँ तो मुझे एक बहुत अच्छा स्टोर दिखा, मैं वहाँ चली गई. सो पहले जितनी भी चीज़ें थी बिफोर एंट्रिंग दैट पर्टिकुलर स्टोर, हर चीज़ मेरे विजुअल फील्ड में मोर और लेस इक्वल अटेंशन ले रही थी. बट नाउ दैट आई हैव एंटर्ड अ पर्टिकुलर स्टोर, तो बाकी चीज़ें जो हैं अब वो उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं ले रही हैं. तो दैट मीन्स जो इंटेंसिटी है अटेंशन की, इट इज़ फ्लक्चुएटिंग, इट इज़ चेंजिंग. नाउ एक्सटर्नल इवेंट एज वेल एज बॉडीली फीलिंग्स कैन बी अटेंडेड टू. जब भी हम कहते हैं स्टिमुलस, दैट डज नॉट मीन कि इट इज़ समथिंग दैट इज़ आउटसाइड माई बॉडी. बहुत बार होता है कि कुछ थॉट होते हैं, कुछ हम सोच रहे होते हैं, और हम कब इतने ज़्यादा उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं कि हम कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाते हैं अपनी फिजिकल जो रियलिटी है उससे. रियलिटी एज इन मतलब फिजिकल रियलिटी तो बहुत थोड़ा हैवी टर्म हो गया, एज इन कि अभी मेरे आसपास क्या हो रहा है मुझे वो नहीं पता चल रहा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा एक पर्टिकुलर ट्रेन ऑफ थॉट में खो चुकी हूँ. सो ऐसा नहीं कि स्टिमुलस हमेशा मेरी बॉडी के बाहर होगा. इट कुड बी समथिंग जो मेरे थॉट्स हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जब स्टेज पे जाके कुछ परफॉर्म होना करना होता है तो एकदम से बहुत नर्वस होने लगते हैं. बहुत अलग तरीके की सेंसेशंस हम अपनी बॉडी में फील कर सकते हैं, और उस पर्टिकुलर मोमेंट पे हम उस चीज़ को अटेंड करते हैं. जो एक घबराहट होती है या एक्साइटमेंट होती है, जो भी होता है वो हमारी बॉडी के अंदर है, बट स्टिल आई एम एबल टू अटेंड टू इट. सो एक्सटर्नल इवेंट्स एज वेल एज बॉडीली फीलिंग्स कैन बी अटेंडेड टू. सो दीज आर द डिफरेंट वेज जिसमें अटेंशन मैनिफेस्ट कर सकता है अपने आप को. एंड नाउ वी विल सी कि अटेंशन पे किस तरीके से काम होना शुरू हुआ. सो जो सबसे पहला अटेम्प्ट था, इट वॉज यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन विच वॉज गिवन बाई विलियम वुंड. बट ऑफकोर्स वो बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाया आफ्टर द अदर स्कूल ऑफ थाट्स इमर्ज्ड, जिसमें जेस्टाल्ट और बिहेवियरिस्ट हैं. ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे सिस्टम्स ऑफ साइकोलॉजी वाली यूनिट में, कि कैसे डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट इमर्ज हुए, कैसे साइकोलॉजी इमर्ज हुई फ्रॉम फिलोसफी. सो देन जेस्टाल्ट और बिहेवियरिस्ट जो आए, दे कम्प्लीटली डी रिकोगनाइज दिस मेथड, क्योंकि कोई साइंटिफिक मेथड नहीं था इस चीज़ को एनालाइज करने का, इस चीज़ को सपोर्ट करने का, कि इंट्रोस्पेक्शन से एक्चुअली कितना ज़्यादा हम अटेंशन को समझ सकते हैं. हाउ डू यू डिफाइन इट, हाउ डू यू मेजर इट, राइट. एंड देन टिचनर जो सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहा था अटेंशन की फील्ड में, टू ब्रिंग अटेंशन यू नो एट दी फोर फ्रंट, और उसके बारे में थ्योरी डेवलप करना, इट वॉज डन बाई टिचनर. And he based his work on the work of William James. यहाँ पर spelling गलत हो गई है. William James का एक बहुत famous काम है Principles of Psychology, एक book लिखी थी उन्होंने, जिसमें almost हर psychological concept के बारे में कुछ ना कुछ कहा गया है. उसी में उन्होंने attention के बारे में कुछ चीज़ें define करी थी, जिसमें ये clearness, vividness, prominence, ये सारे attributes उन्होंने बताए थे. टिचनर ने इन्हीं सारे एट्रीब्यूट्स को एक वर्ड दिया, अटेंसिटी. सो एक थ्री स्टेज मॉडल दिया गया था बाय टिचनर, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो पहला स्टेप होता है किसी चीज़ को अटेंड करने का या अटेंशन का, इट इज़ इनवॉलेंट्री और पैसिव. यू नो हमारे आसपास बहुत तरीके की चीज़ें हो रही हैं, घट रही हैं, हम बहुत स्टिमुलस को अटेंड कर लेते हैं, हमें रियलाइज भी नहीं होता. सो इट डिपेंड्स कि वो जो स्टिमुलस है वो कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, और मेरी अपनी मोटिवेशन कितनी है उस पर्टिकुलर स्टिमुलस को अटेंड करने की, राइट. तो 10 स्टिमुलस अगर हैं तो मे बी मैं उसमें से 5-6 को अटेंड कर रही हूँ, मुझे रियलाइज़ भी नहीं हो रहा. अगर हम किसी फेयर में जाते हैं घूमने के लिए, जो
जो भी ट्रेड फेयर्स वगैरह लगते हैं, तो हम बस शॉप्स देखते चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं. इट्स नॉट लाइक वी हैव समथिंग पर्टिकुलर इन आवर माइंड, वी आर जस्ट लुकिंग एट एवरी थिंग दैट इज बींग मेड अवेलेबल टू अस. सो इट इज़ वेरी इनवॉलेंट्री, इट इज़ वेरी पैसिव. द नेक्स्ट स्टेप इज सेकेंडरी वॉलेंट्री और एक्टिव अटेंशन. यहाँ पे मेरा जो अटेंशन का फोकस है उसको मैंने थोड़ा नैरो करा है, राइट. सो इट इज़ कैरेक्टराइज बाय अ सर्टेन परसेप्शन और आइडिया विच इज हेल्ड इन फेस ऑफ कॉम्पिटिटर्स और ऑपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे किसी ट्रेनिंग फील्ड में जाना है या मैं कुछ यू नो एजुकेशन फील्ड में हूँ और मैं कोई नई स्किल सीख रही हूँ, तो सबसे पहले हमें उसके बेसिक सीखने होते हैं, उसके फाउंडेशन सीखने होते हैं, राइट. जैसे अगर हम किसी कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर मैं किसी स्पीच के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ या कोई डांस प्रिपेयर कर रही हूँ या किसी तरीके का थिएटर परफॉर्मेंस प्रिपेयर कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा अटेंटिव हूँ मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ को लेकर के, कि डायलॉग्स किस तरीके से डिलीवर करने हैं, बॉडी पॉस्चर कैसा होगा, स्टेज पे मैं कौन सा एरिया ले रही हूँ, मेरी मूवमेंट कैसी होगी, इन सब चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रही हूँ. नाउ द नेक्स्ट इज़ डिराइव्ड प्राइमरी अटेंशन. ये तब होता है जब मैंने ऑलमोस्ट एक पर्टिकुलर स्किल पे एक तरीके का मास्टरी गेन कर लिया है. सो अगर हम प्रीवियस एग्जाम्पल पे जाएं, विच वॉज ऑन कॉम्पिटिशन, तो अब मैंने एक पर्टिकुलर एक्ट को इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया है दैट नाउ आई डू नॉट नीड टू ऑलवेज लुक फॉर माई डायलॉग्स, और मेरे को पढ़ के बोलने की ज़रूरत नहीं है या मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं अच्छा मुझे अब इस तरीके से खड़े रहना है या इस तरीके से बात करनी है, अच्छा अब मेरा डायलॉग आएगा. नाउ आई हैव प्रैक्टिस्ड इट सो मच दैट इट्स गोइंग टू कम ऑर्गेनिकली और बहुत नेचुरली वो चीज़ फ्लो करेगी. सो दीज आर द स्टेजेस. फर्स्ट इज वेरी पैसिव, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, कुछ हम अटेंड कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं. द सेकेंड बिकम्स मोर नैरोड एंड द लास्ट इज द टॉप मोस्ट लेवल. नाउ सो यहाँ पे एक चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है वो ये कि जो फर्स्ट लेवल है और जो लास्ट लेवल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सिंप्लीफाइड है. फर्स्ट लेवल इज़ सिंप्लीफाइड बिकॉज वहाँ पे मैंने ज़्यादा सोचा नहीं है कि मुझे एक्चुअली में किस चीज़ को अटेंड करना है, किस चीज़ के बारे में जानना है या क्या चीज़ सीखनी है. जो लास्ट है वो ये, लास्ट लेवल सिंपल इसलिए है क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है, इतना ज़्यादा उस चीज़ पे मेरा अब होल्ड बन गया है कि मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. जो बीच वाला स्टेज है, जो सेकेंडरी वॉलंटरी और एक्टिव अटेंशन वाला स्टेज है, इट इज़ अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा टाइम टेकिंग है क्योंकि यहाँ पे मेन काम हो रहा है. यहाँ पे मैं उस नए स्किल को सीख रही हूँ, उसके जो टेक्निक्स हैं उनको ग्रैब करने की कोशिश कर रही हूँ. नाउ कमिंग टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन, जो इनिशियली मैंने बात करी थी कि अगर एक पर्टिकुलर मोमेंट में बहुत तरीके के स्टिमुलस प्रेजेंट हैं, तो हाउ इट इज़ डिसाइडेड कि एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को ही हम अटेंड करेंगे. सो इसमें तीन तरीके की चीज़ें होती हैं, एक स्टिमुलस वेरिएबल और एक्सटर्नल डिटर्मिनर. मतलब कि जिस स्टिमुलस को या जिस टास्क को मुझे अटेंड करना है उसका अपना नेचर किस तरीके का है. देन ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल इंटरनल डिटर्मिनर, कि मेरी अपनी मेरे अपने जो थॉट है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे वो किस तरीके का है, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू डिटरमाइन कि हाउ आई एम अटेंडिंग पर्टिकुलर स्टिमुलस. और जो कुछ इन्वायरमेंटल और सिचुएशन फैक्टर्स हैं विच इज़ गोइंग टू मे बी समटाइम्स एक्ट एज हर्डल और फैसिलिटेटर इन अटेंडिंग अ पर्टिकुलर स्टिमुलस. सो जो पहले हमने बात करी है दैट इज़ ऑन एक्सटर्नल डिटरमिनर. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने जो फर्स्ट लिखा है दैट इज़ द साइज ऑफ द स्टिमुलस. सो कभी कभी ऐसा होता है जब हम किसी मेले में जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, स्पेशली अगर कोई फेस्टिवल का टाइम होता है, तो हम ऐसे हम गेम्स का एग्जाम्पल लेते हैं, जो मैस्कॉट्स बनते हैं जैसे कॉमनवेल्थ के टाइम में हुआ था या IPL या जितने जो भी इस तरीके के गेम होते हैं. सो वी हैव दिस मैस्कॉट थिंग ओलंपिक्स वगैरह में. सो बिफोर बिगनिंग द गेम वो मैस्कॉट आपको दिखेगा,
उसका साइज रिलेटिवली बड़ा रखा जाता है ताकि आपकी अटेंशन उस पर पड़ जाए. आपको वो नहीं चाहते कि उस मैस्कॉट को पहचानने में आपको दिक्कत हो. दे वॉन्ट दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस टू अट्रैक्ट योर अटेंशन. तो वो उसको बहुत यूनिक बनाते हैं, उसको बहुत फनी फनी तरीके से डिज़ाइन करेंगे ताकि वो एकदम से आपके सामने आए तो आप यू नो इट जस्ट होल्ड योर अटेंशन. इट डजेंट टेक मच टाइम उस चीज़ को पहचानने में. अगेन देन द पोजिशन ऑफ द स्टिमुलस, ये एडवर्टीजमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. आजकल ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट आप देख लो या जो बिलबोर्ड्स लगते हैं, किस जगह पे कौन सा एडवर्टीजमेंट लगाना है, किस तरीके से प्लेस करना है ताकि एकदम से वो आपकी अटेंशन ग्रैब कर ले, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे आप अगर मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो आप देखेंगे वो जो सीट्स होते हैं बिल्कुल उसके सामने एक बड़ा सा बोर्ड होता है, सो दैट जो लोग खड़े हैं यू नो यूजली उनकी नज़र एकदम सीधे उस एडवर्टीजमेंट पे पड़ जाए. देन नॉवेल्टी ऑफ द स्टिमुलस, कितना नए तरीके का या कितना यूनिक है वो स्टिमुलस. अगर इट इज़ यूजुअल, मतलब जैसे अगर आप यू नो कुछ खरीदने गए हैं, जैसे फेस्टिवल के टाइम पे हम अगर शॉपिंग करने जाते हैं तो जो डेकोरेशन के आइटम्स होते हैं, जो यूजुअल आइटम्स होते हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं. बट अगर हमें एकदम से कोई ऐसी चीज़ दिखती है जो हमने आज तक नहीं देखी है, आज तक हमने यूज़ नहीं करी है, तो हम सबसे पहले उसकी तरफ जाएंगे. वी विल ट्राई कि हम उस चीज़ को ले सकें बिकॉज इट्स न्यू टू अस. देन द फैक्टर ऑफ आइसोलेशन, वन रेस्ट ऑफ फिनोमेना भी बोला जाता है. सो ये वाली जो चीज़ है ये आपको पढ़ने में बहुत मदद करेगी. पढ़ने में एज इन बहुत सारा मटीरियल जब होता है हमारे पास याद करने को, तो उसमें से हाउ डू वी फिल्टर दी इम्पॉर्टेंट वंस. सो आई नो जब भी हम जो हमारे पास रिटन नोट्स होते हैं उनको जब हम पढ़ते हैं तो वी यूज़ हाइलाइटर्स और वी यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ पेन, डिफरेंट कलर्ड पेन्स, ताकि जो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं वो किसी तरीके से हमें एकदम से दिख जाए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस स्क्रीन को भी देखेंगे, ये जो अभी तक हमने नोट्स पढ़े हैं, तो इसमें से जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी या जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगी, मैंने उसको किसी न किसी तरीके से हाईलाइट करने की कोशिश करी है सो दैट इट स्टैंड्स आउट. इसी को कहते हैं वन रेस्ट ऑफ फिनोमिनन. इट वाज गिवन बाय वन रेस्ट ऑफ, इसीलिए इसका नाम है. और साइकोलॉजी में एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है सीडर लर्निंग पोजिशन का, जिसमें आपको एक लिस्ट ऑफ सिलेबल्स दिया जाता है और आपको सीडरली उस चीज़ को याद करना होता है. सो उसमें होता यह है कि जो शुरू के आइटम्स हैं और जो लास्ट के आइटम्स हैं वो तो पार्टिसिपेंट्स बहुत इजीली बता पाते हैं, रिकॉल कर पाते हैं, जो बीच के सेगमेंट होते हैं वो रिकॉल नहीं कर पाते थे. तो उस चीज़ को, उस इफ़ेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करने के लिए, सो दैट कि सारे आइटम्स अच्छे से रिकॉल हो पाए, जो रिसर्चर्स थे उन्होंने क्या करा, जो बीच के स्टेटमेंट्स थे या सिलेबल्स थे उनको उन्होंने कलर कर दिया, उसको किसी डिफरेंट कलर से उन्होंने लिख दिया. सो उससे इफ़ेक्टिवनेस ऐसे बढ़ी कि पहले जो सिर्फ शुरू और बाद के आइटम्स याद हो रहे थे, अब जो बीच के आइटम्स थे जिन्हें रिकॉल करने में दिक्कत हो रही थी, नाउ द पार्टिसिपेंट्स वर एबल टू रिकॉल दीज ऑल्सो. सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द फैक्टर ऑफ आइसोलेशन. यू आर मेकिंग फ्यू थिंग्स लुक डिफरेंट फ्रॉम द अदर वंस. नाउ कमिंग टू ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल्स और इंटरनल डिटर्मिनेंट्स, दीज आर थिंग्स और फैक्टर्स जो आपके अंदर से आ रहे हैं, आपके अंदर से इमर्ज कर रहे हैं. इट कुड बी फेमिलियरिटी विद द स्टिमुलस और द सिचुएशन, इमोशनल अपील, आपका इंटरेस्ट, आपका मेंटल सेट, डिग्री ऑफ वेकफुलनेस, मोटिवेशन. जब हम किसी क्राउडेड जगह पे किसी फ्रेंड से मिलने जाते हैं तो डिस्पाइट द क्राउड समहाउ यू विल बी एबल टू रिकोगनाइज देम, यू नो, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन अमिडस्ट द 100 or 1000 ऑफ क्राउड. You are familiar with them. There is a level of motivation. There is a level of interest and emotional appeal to attend to that particular stimulus, right? So these are things that are not related to the stimulus. It's not like ki aapka friend aaj jaisa dikh raha hai wo pehle waisa nahi dikhta tha. जो आपके फ्रेंड में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे या जो भी क्वालिटीज़ थी वो आज भी वैसी ही हैं, बट ये वाले जो फैक्टर्स हैं, यू नो, बीइंग फेमिलियर विद देम और इमोशनल अपील और इंटरेस्ट, दीज आर थिंग्स दैट आर कमिंग फ्रॉम यू, विद इन यू.
सो दीज आर ऑल्सो गोइंग टू हाँ सो इट्स नॉट ऑलवेज लाइक कि ये फैक्टर्स हमेशा आपको कंपेल करेंगे टू अटेंड टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस बट दे कैन ऑल्सो कंपेल यू टू नॉट अटेंड टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस जैसे कभी कभी हम ऐसे लोग होंगे जिनको हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं या ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिन्हें हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं तो फेमिलियरिटी वहाँ पे भी है इमोशनल अपील वहाँ पे भी है बट मोटिवेशन मिलने की नहीं है मोटिवेशन है उनको अवॉइड करने की राइट सो वी आर अटेंडिंग अ स्टिमुलस एज वेल एज नॉट अटेंडिंग टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस एट द सेम टाइम नॉट कमिंग टू द लास्ट डिटर्मिनेंट विच इज इन्वायरमेंटल और सिचुएशनल फैक्टर इंडिया में आई मीन आजकल तो अभी थोड़ा कम हो गया बट अभी कुछ पिछले कुछ दिनों में शादी सीजन वॉज ऑन वॉज वेरी हाई तो हर दिन ऐसे दो चार शादियाँ होती थी और बहुत दिक्कत होती है ऐसे सिचुएशन में उस बैकग्राउंड नॉइज को अवॉइड करना राइट बिकॉज द म्यूजिक इज सो लाउड द होल यू नो बैंड थिंग इज गोइंग ऑन सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नॉट बींग अफेक्टेड बाई इट सो उस पर्टिकुलर टाइम पे देर कुड बी अदर थिंग्स दैट यू वॉन्टेड टू अटेंड बट वो जो आपका इन्वायरमेंट ऐसा है आपके सिचुएशनल फैक्टर्स ऐसे हैं दैट इट इज काइंड ऑफ हैम्परिंग यू टू अटेंड टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस एंड डायरेक्टिंग यू टू अ स्टिमुलस विच यू डू नॉट वॉन्ट टू अटेंड जो इस केस में लाउड म्यूजिक है देन नेचर ऑफ इंसेंटिव्स जैसे पढ़ाई का एग्जाम्पल ले लीजिए या किसी टास्क को अच्छे से परफॉर्म करने का एग्जाम्पल ले लीजिए अगर आपको पता है कि ये टास्क करने से आपको कुछ इंसेंटिव मिलेगा कुछ रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगी तो आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से अटेंड करेंगे जो पनिशमेंट वाला इंसेंटिव होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है कि अगर आपको पता है कि आपने इस टाइम तक एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट नहीं करा तो इट इज़ गोइंग यू नो यू have to face some sort of punishment तो आप ज़्यादा attentively ज़्यादा ध्यान से उस चीज़ को task को करने की कोशिश करेंगे same goes for reward but वो इतना ज़्यादा effective नहीं माना गया है in comparison with the punishment incentive so if you know that बच्चों के साथ ये बहुत ज़्यादा होता है अगर आप उनको बोलते हो कि अच्छा you know you behave properly आप इतने देर तक अच्छे से रहो तो फिर हम आपको आइसक्रीम दिलाएंगे या एक पर्टिकुलर टॉय दिलाएंगे अच्छा यू बचपन में हम लोग के साथ बहुत होता था हमें बोला जाता था कि एग्ज़ाम में आप इस तरीके से परफॉर्म करो तो बर्थडे पे ये गिफ्ट दिया जाएगा या अच्छा रिजल्ट आएगा तो आपको साइकिल दी जाएगी सो दीज आर द थिंग्स और दी सिचुएशनल फैक्टर्स दैट समहाउ गाइड्स कि हम किस तरीके से कितना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे And now coming to the major chunk of today's lesson, which is the different types of attention. So, बहुत तरीके से define करा गया है जो एक prominent method है attention को classify करने का. It is process oriented. कि मेरा process क्या है particular stimulus को attend करने का, उसको process करने का. एक है सेलेक्टिव और एक है सस्टेन्ड सो सेलेक्टिव अटेंशन नाम से जैसे पता चल रहा है कि मैं एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टिमुलाई को ही अटेंड कर पाऊंगी एंड देन द सस्टेन्ड अटेंशन इज कि मैं एक स्टिमुलस पे कितनी देर तक ध्यान दे सकती हूँ ओके सो इससे पहले कि हम जो थियोरीज हैं उन पे आए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी करी गई थी विच इज़ नोन एज कॉकटेल पार्टी फिनोमिना जो चेरी की स्टडी है इट वाज डन इन 1953 इसका जो क्रक्स था वो ये कि हमारी एबिलिटी जो है एबिलिटी टू लिसन सेलेक्टिवली टू वन कॉन्वर्सेशन ड्यूरिंग अ पार्टी वाइल इग्नोरिंग द नॉइज अराउंड यू सो बहुत तरीके की कॉन्वर्सेशन पैरेलल कॉन्वर्सेशन चल रही होती हैं बट समहाउ वी आर एबल टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन और जो जिस इंसान से जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे होते हैं हम उस पर ध्यान दे पा रहे हैं डिस्पाइट कि हमारे आसपास बहुत तरीके की बातें हो रही हैं बहुत लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे मैंने ये पॉइंटर्स में लिखा है
क्योंकि ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉकटेल पार्टी फिनोमिना की जो स्टडी थी, इट वॉज गिवन बाय चेरी. ये एक डायकॉटिक लिसनिंग टास्क था. डायकॉटिक मैं भी एक्सप्लेन करूँगी. शैडोइंग एक टर्म इसमें आती है. तो टास्क ये था कि एक इंसान था, उसको हेडफोन्स लगा दिए गए थे और दोनों तरफ से उसको अलग मैसेजेस दिए जा रहे थे. सो राइट ईयर में उसको कुछ और मैसेज दिया जा रहा था, लेफ्ट ईयर में उसको कुछ और मैसेज दिया जा रहा था. और उसको कहा गया था टू लिसन टू ओनली वन ईयर. तो जिस ईयर के मैसेज को बोलने कहा गया था, इट वॉज द शेड्यूल्ड ईयर. तो अगर आपको अभी मैं बोलूँ कि आपको सिर्फ जो राइट ईयर में आपको नॉइज आ रही है, आपको सिर्फ या जो इन्फॉर्मेशन आ रही है आपको सिर्फ उसको सुनना है, दैट मीन्स योर राइट ईयर इज नाउ शेड्यूल्ड ईयर एंड द प्रोसेस इज शेडोइंग. और जो भी आपको मैसेज आ रहा है दैट इज शेडोड मैसेज. सो जिस भी स्टिमुलस को हम अटेंड करने जा रहे हैं, दैट बिकम्स माई शेडोड मैसेज. और या एंड द प्रोसेस बिकम्स शेडो. सो इसमें होता ये था कि जो अटेंडेड मैसेज था वो प्रोसेस हो जाता था. प्रोसेस होना मतलब फिर स्टिमुलस को अटेंड करने के बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है मीनिंग मेकिंग. जो अनअटेंडेड मैसेज था वो डिस्कार्ड हो जाता था. जो अटेंडेड मैसेज था उसको जब मैं आपसे पूछूंगी कि आपने राइट ईयर से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली, तो आप मुझे ये बता पाएंगी कि क्या वो मैसेज लड़की के आवाज़ का था, लड़के के आवाज़ का था, उसकी पिच कैसी थी, उसका टोन कैसा था और उसका मतलब क्या था. जो अनअटेंडेड मैसेज होगा, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही आपके मेंटल स्पेस में नहीं आया, लेकिन आप मुझे सिर्फ इतना ही बता पाएंगे कि क्या वो मैसेज किसी लड़के की आवाज़ में थी, लड़की की आवाज़ में थी, उसका टोन कैसा था, उसका पिच कैसा था. बट यू वोंट बी एबल टू रिकॉल कि इन्फॉर्मेशन क्या थी, उसका मतलब क्या था. तो दिस वॉज योर सेलेक्टिव और सस्टेन्ड अटेंशन. देन वी हैव अनदर टाइप ऑफ अटेंशन जिसको हम कहते हैं डिवाइडेड अटेंशन. डिवाइडेड अटेंशन इज कि हम एक टाइम पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कर पाए. नाउ वी हम ये सारे जो भी अटेंशन है इनकी थ्योरीज को हम अब इलैबोरेटली पढ़ेंगे. सो नाउ वी आर कमिंग टू दी मॉडल्स ऑफ अटेंशन. मॉडल्स ऑफ अटेंशन में आपको जो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जानना ज़रूरी है वो एक तो नेम कि किस थ्योरिस्ट ने या किस साइकोलॉजिस्ट ने कौन सा थ्योरी दिया है. और व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम वन मॉडल टू अनदर तो उसमें डिफरेंस क्या आया. आजकल के जो एंट्रेंसेस में क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी अप्लाइड नेचर के होते हैं. सो इट्स नॉट लाइक दे आर जस्ट गोइंग टू राइट अ सेंटेंस एंड दिल आस्क यू कि अच्छा बताओ ये फिल्टर मॉडल है या ये अटेन्यूएशन का मॉडल है. वो आपसे ये नहीं पूछेंगी. वो आपको एक प्रॉपर एक सिनेरियो देंगे, एक सर्कमस्टांस देंगे एंड देन दे विल टेल यू कि आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में कौन सा मॉडल एप्ट बैठेगा. अगर आपको किसी थ्योरी के थ्रू इस पर्टिकुलर सिनेरियो को एक्सप्लेन करना है तो कौन सा मॉडल इज गोइंग टू बी द बेस्ट फिट. सो दैट्स वाई ये जो आप अपने सामने नोट्स देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोडेड मैंने नहीं रखा है, क्योंकि फिर हम उन वर्ड्स में खो जाते हैं. अभी जो आपको इम्पॉर्टेंट है जानना, इट इज़ टू अंडरस्टैंड कि ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ पे इसकी यूटिलिटी हो सकती है. आई एम्फसाइज अ लॉट ऑन कनेक्टिंग और यू नो गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम आर डेली लाइफ जिनसे हम बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, सो दैट कि वो कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा फेमिलियर हो जाता है. सो हाँ, एक फिल्टर थ्योरी है, फिल्टर अटेन्यूएशन थ्योरी और मल्टीमोड थ्योरी है जिसको अभी हम पढ़ने जा रहे हैं. फिल्टर थ्योरी ब्रॉडबैंड ने दी है, अटेन्यूएशन थ्योरी ट्रीजमैन और मल्टीमोड थ्योरी वॉज गिवन बाय लोकहार्ट एंड हाइंस. सो नाउ लेट्स स्टडी. यू कैन टेक स्नैपशॉट्स ऑफ दीज स्क्रीन्स और आपको ये नोट्स के साथ भी मैं सेंड कर दूँगी. बट बहुत हमने डायग्रामेटिक और फ्लो चार्ट के तरीके से इसको रखने की कोशिश करिए ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो. तो आप जहाँ पे भी नोट मेकिंग कर रहे हैं ट्राई करें कि आप उसको भी एक फ्लो चार्ट या छोटे छोटे वर्ड्स और यू नो मेंटल मैप्स की तरह बना के रखें.
अगर आप बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपको फिर उसे पढ़ने और समझने में दिक्कत होगी, यू नो. दीज आर नॉट वेरी, अगर आप हर एक सेंटेंस लिख के कोई चीज़ पढ़ते हैं तो बहुत हैंडी नोट्स नहीं होते हैं. फिर आपको रिविजन के टाइम में उस चीज़ में से फिल्टर करने में दिक्कत आएगी. तो पहले से आप ट्राई करो कि आप के जो नोट्स हैं वो थोड़े यू नो इंटरेस्टिंग हैं, या फ्लो चार्ट के फॉर्म में हैं, डायग्राम्स के फॉर्म में हैं. आप एग्जांपल्स मेंशन कर दो, अपने पर्सनल लाइफ से अगर कर सकते तो वो कर दो. सो ब्रॉडबैंड ने ये थ्योरी दिया था इन 1958. सो द मॉडल वॉज कि जो भी स्टिमुलस आएगा वो वैसे का वैसे हमारे सेंसरी बफर में जाएगा. जितने भी आपके आसपास स्टिमुलस प्रेजेंट हैं वो पहले एक सेंसरी बफर में जाते हैं. यहाँ पे हम एक फिल्टर लगा देते हैं. सो अगर आपके आसपास विजुअल, ऑडिटरी, स्मेल, टैक्टाइल एट सम लेवल हर तरीके के स्टिमुलस प्रेजेंट हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ इस लेसन को सुनना है, दैट मीन्स यू आर यूजिंग योर टू सेंसरी मोडालिटीज विच इज़ योर ऑडिटरी एंड विजुअल मोडालिटी. तो हमने बाकी जो भी स्टिमुलस थे उनको फिल्टर आउट कर दिया. सो दिस इज टोटली एंड एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टिमुलर. ठीक है. सो नाउ अब इसके आगे जो भी मीनिंग मेकिंग प्रोसेस है या शॉर्ट टर्म मेमोरी में उस इन्फॉर्मेशन को जाना है, जो फर्दर प्रोसेसिंग होगी टिल द रिकॉल ऑफ द इन्फॉर्मेशन, अब वो आगे चलता रहेगा. अटेंशन का प्रोसेस होता है बस फिल्टरिंग तक, कि कैसे इस फिल्टर के बाद से वो एसटीएम में पहुंच गया. दैट्स द रोल ऑफ अटेंशन, कि जो हमारे पास एक प्लेथोरा ऑफ स्टिमुलस होता है उसमें से हमने किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस को चूज करा, हमने एक फिल्टर लगा दिया, हमने उस फिल्टर के थ्रू जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थे या जिन स्टिमुलस को हमने प्रायोरिटाइज करा था, हम सिर्फ उनको अटेंड कर रहे हैं और हम अब उसको फर्दर कॉग्निटिव प्रोसेसिंग के लिए वी आर सेंडिंग इट आउट. सो दिस इज़ दी ब्रॉडबैंड मॉडल. इसमें जो एक चीज़ आपको पढ़नी है वो ये जो आप देख पा रहे हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैसेजेस. नाउ द नेक्स्ट मॉडल, इसका एक जो क्रिटिसिज्म था वो इट वाज गिवन बाय मोरे, हु सेड कि सिंस दिस ब्रॉडबैंड थ्योरी वाज बेस्ड ऑन चेरी का एक्सपेरिमेंट, तो उसमें तो हमने अभी तक यही पढ़ा था कि जो अनअटेंडेड मैसेज होता है या जो अनअटेंडेड ईयर होता है उसका कोई भी मैसेज प्रोसेस नहीं करते. बट वॉट मोरे सेड वॉज वट ही अकॉर्डिंग टू हिज रिसर्च ही सेड कि अगर जो अनअटेंडेड मैसेज है या जो अनअटेंडेड ईयर है उस पर मैं आपको आपका नाम बोलूँ तो आप वो रिकोगनाइज कर लोगे, राइट. तो दिस होल थ्योरी कि जो अनअटेंडेड ईयर होता है उसमें मैं कोई भी उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो कम्प्लीटली डिसरिगार्ड हो जाती है, ऐसा नहीं होता. सो इस क्रिटिसिज्म की वजह से ट्रीजमैन ने अपना एक मॉडल दिया विच वॉज अटेन्यूएशन मॉडल. दिस इज वेरी सिमिलर टू ब्रॉडबैंड्स मॉडल, बट इंस्टेड ऑफ द फिल्टर जो हमने वहाँ पे फिल्टर वर्ड यूज करा था उसकी जगह इन्होंने अटेन्यूएटर बोल दिया. अटेन्यूएटर होता है जो एक चीज, अटेन्यूएशन मीन्स टू वीकन या सॉफ्ट, इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर देना. सो इट्स नॉट लाइक कि अभी तक जो हम बात कर रहे थे कि अनअटेंडेड मैसेज के ईयर कम्प्लीटली डिसरिगार्ड होते हैं, ट्रीजमैन के मॉडल ने हमें ये बोला कि जो अनअटेंडेड मैसेज के इंफॉर्मेशन होती है इट्स नॉट कम्प्लीटली डिसरिगार्डेड, बस उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है. तो इसीलिए हम फिल्टर ना बोल के हम इसको अटेन्यूएटर बोलते हैं. सो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं कि ये आपका सेंसरी स्टोर है, यहाँ पे ए जो ग्रीन मार्किंग है दैट इज़ दी अटेंडेड मैसेज, और बी जो है वो हमारा अनअटेंडेड मैसेज है. दोनों ही मैसेजेस अटेन्यूएटर के पास जा रहे हैं जहाँ पे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए हम उन मैसेजेस को फर्दर प्रोसेस करते हैं. ना अभी तक जो हमारे ये जो एरोज थे फॉर दी अटेंडेड एज वेल एज अनअटेंडेड मैसेज, इट वॉज ऑफ सिमिलर साइज. नाउ
अटेन्यूएटर के बाद जब ये मैसेज ये एरो निकल रहा है या जो ये इन्फॉर्मेशन निकल रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो अटेंडेड मैसेज था उसका साइज बड़ा हो गया और जो अनअटेंडेड था इट इज़ स्टिल द सेम. नाउ इट दैट मीन्स कि वो इन्फॉर्मेशन पास तो हो रही है बट बहुत वीकली हो रही है. अब डिक्शनरी यूनिट इज़ सिमिलर टू योर मीनिंग मेकिंग प्रोसेस एंड नाउ इट विल बी फॉर द सेंड टू द होल मेमोरी सिस्टम जहाँ और हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस. सो फ्रॉम ब्रॉडमैन्स मॉडल टू दिस मॉडल एक चीज़ जो हमने चेंज करी वो था फिल्टर को हमने रिप्लेस कर दिया विद एन अटेन्यूएटर, विच मीन्स कि एवरी इंफॉर्मेशन जो हमारे सेंसरी स्टोर में आती है इज़ बीइंग प्रोसेस्ड बट उसका जो इंटेंसिटी होता है वो फ्लक्चुएट कर जाता है. ऑल्सो दिस इज कॉल्ड एन अर्ली बॉटलनेक क्योंकि हम बहुत इनिशियल फेजेस में वी आर डिसाइडिंग कि हमें कौन सा इन्फॉर्मेशन चाहिए और कौन सा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए. नाउ कमिंग टू फोकस्ड सेलेक्टिव विजुअल अटेंशन. अभी ये जो हमने थ्योरी करी इट वॉज बेसिकली रिलेटेड टू आर ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन. तो ये थे हमारे फोकस्ड सेलेक्टिव ऑडिटरी अटेंशन. अब हम बात करेंगे विजुअल फील्ड में कैसे सेलेक्टिव अटेंशन काम करता है. सो इसमें पॉजनर का काम बहुत इम्पॉर्टेंट है. पॉजनर्स वर्क और स्पॉटलाइट एनालॉजी बोली जाती है. सो लेट्स सी. अभी हम एक छोटा सा टास्क करेंगे. सो नाउ अभी आपके सामने एक ग्रिड है जिसमें लिखा है नो क्यू. तो अभी आपको पता नहीं है कि कौन सा क्यू कहाँ आएगा, राइट? सो द क्यू अपीयर्ड इन हियर दिस क्वाड्रेंट बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट. नेक्स्ट इज अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्यू कहाँ आएगा या जो आपका मेन स्टिमुलस है वो कहाँ आएगा. तो जो जहाँ पे आप ये सर्कल देख रहे हैं यहीं पे आपका स्टिमुलस आने वाला है. सो इट वाज ईजियर जो हमने पहला एग्जांपल लिया था उसे इजी था यहाँ पे पता लगाना कि मुझे अपना अटेंशन कहाँ फोकस करना है. नाउ सी सो जो नो क्यू वाला केस था वहाँ पे ऑफकोर्स मुझे ज़्यादा टाइम लगा बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर. मेरे को पता नहीं था कि मुझे अपना अटेंशन कहाँ पे फोकस करना है तो आई वॉज लुकिंग ऑल अराउंड. बट जहाँ पे मुझे दे दिया गया था कि अच्छा दिस इज़ वेयर योर क्यू इज़ गोइंग टू कम, तो वहाँ पे सडनली जो टाइम था टू रिकोगनाइज द स्टिमुलस वो बहुत रिड्यूस हो गया बिकॉज नाउ आई वॉज फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया. सो एडवांस नॉलेज ऑफ लोकेशन इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस. दिस इज नॉट फॉर अस. या सो ये जो फॉर क्यू से क्यूइंग वाला जो चीज़ था इसने हमें हेल्प करा टू फॉर्म आर ओन स्पॉटलाइट. तो जब हम कोई परफॉर्मेंस देखने जा रहे हैं टीवी में तो हमने देखा ही होगा जब कोई स्टेज पे आता है तो कम्प्लीटली उस आर्टिस्ट पे स्पॉटलाइट होती है तो उसके आसपास जो भी चीज़ें हो रही होती हैं हमें नहीं दिखती. हमें पता है जो भी चीज़ उस स्पॉटलाइट के दायरे में घट रही है बस वही हमें देखनी है. सो वी हैव यू नो कम्प्लीटली फोकस्ड आर अटेंशन. इसीलिए इसको स्पॉटलाइट भी बोला जाता है या जूम लेंस एनालॉजी भी बोली जाती है बिकॉज नाउ आई एम जस्ट कंसर्न्ड ओनली अराउंड अ पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर स्पेस. सो दिस वाज द फोकस्ड सेलेक्टिव और विजुअल अटेंशन विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट जब यू नो आप ड्राइव कर रहे होते हैं जैसे ट्रैफिक. ट्रैफिक सिग्नल्स की इम्पोर्टेंस इसीलिए है. इट्स ऑल्सो बिकॉज यू नो विद डिफरेंट कलर्स जो भी वहाँ पे ब्लिंक हो रहा है यू नो कि अच्छा नाउ यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ईदर टू पुट द ब्रेक्स और टू स्टार्ट योर व्हीकल. सो दैट्स हाउ दिस विजुअल अटेंशन थिंग वर्क्स. नाउ दिस मल्टीमोड थ्योरी इट वॉज गिवन बाय जॉनस्टन एंड हाइंस. तो इन्होंने एक स्टेज मॉडल दिया अटेंशन का जिसमें इन्होंने बोला कि जब भी कोई स्टिमुलस आता है तो पहला जो
लेवल होता है उस चीज़ को अटेंड करने का, इट इज़ थ्रू इट्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे कर सकते हैं, कैसे अटेंड कर सकते हैं, यूजिंग आर विजुअल सेंसरी मोडालिटी. तो जो भी उस चीज़ का कलर होगा, साइज होगा, स्ट्रक्चर होगा, दैट्स द सेंसरी रिप्रेजेंटेशन. जो सेकेंड स्टेज होता है दैट इज सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन. और उस यू नो द मीनिंग, सिमेंटिक का मतलब ही होता है मीनिंग. तो जो भी चीज़ या ऑब्जेक्ट और स्टिमुलाई मैंने देखा उसका नाम क्या है. जो लास्ट स्टेज है दैट इज सेंसरी एंड सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन एंटर द कॉन्शियसनेस. नाउ बोथ ऑफ दीज थिंग्स, द स्टिमुलाई विद इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड विद इट्स सिमेंटिक प्रॉपर्टीज, नाउ इज एंटर्ड आवर कॉन्शियसनेस. दैट मीन्स द होल मीनिंग मेकिंग थिंग. कि अच्छा, अगर मेरे सामने एक कार आ रही है, बहुत बड़ी कार आ रही है, एंड आई नीड टू क्रॉस द रोड, बट आई नो कि इस ट्रैफिक में अगर मैंने रोड क्रॉस करने की कोशिश करी तो आई माइट गेट हिट बाय दिस ट्रक और वट एवर व्हीकल इट इज. सो आई एम टेकिंग द यू नो आई हैव यूज द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एंड नाउ आई नो दैट आई शुड स्टॉप फॉर अ व्हाइल, राइट. सो बट ऑफकोर्स क्योंकि हम बहुत लेवल पे प्रोसेसिंग कर रहे हैं, सो इट रिक्वायर्स मोर मेंटल एफर्ट. दिस प्रोसेसिंग रिक्वायर्स मोर मेंटल एफर्ट. नाउ कमिंग टू डिवाइडेड अटेंशन. डिवाइडेड अटेंशन इज द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज क्लास. सो इससे पहले हम डिवाइडेड अटेंशन पे जाएं, आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाना है. सो दिस वॉज आर सेलेक्टिव और फोकस अटेंशन, जहाँ पे मेरे पास एक टास्क था और मुझे उसी पे फोकस करना था, राइट. जो डिवाइडेड अटेंशन है वहाँ पे मेरे पास दो टास्क हैं बट मुझे दोनों टास्क को अटेंड करना है. सो इसमें एक थ्योरी जो बहुत प्रोमिनेंट है डिवाइडेड अटेंशन में, वो है कैनमैन्स कैपेसिटी मॉडल ऑफ अटेंशन. दिस कैपेसिटी वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर. सो आजकल जो ट्रेंड है या एक जो कॉन्सेप्ट है ऑफ मल्टीटास्किंग इज़ वेरी फेमस इन आवर लाइव्स. सम पीपल से इट्स अ मिथ, सम पीपल से इट्स अ फैक्ट. कुछ को लगता है, काफ़ी रिसर्चेज हुई हैं जिसमें कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर जेंडर इज़ मोर इफेक्टिव यू नो इन डूइंग मल्टी टास्किंग, विच इज़ कहते हैं कि फीमेल्स आर मोर इफेक्टिव इन मल्टी टास्किंग एज कम्पेयर टू मैन. सो यहाँ पर जो सारा जो खेल है या जो एक मेन कॉन्सेप्ट है, दैट्स आर सेंट्रल प्रोसेसर और एलोकेशन पॉलिसी. कि हमारी जो अपर लिमिट कितनी है, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये और आपको 10 कुछ लोगों में उस चीज़ को बांटनी है, तो अगर आपके पास पहले सिर्फ 2 लोग थे उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो आप 50-50 कर देंगे. बट नाउ अब 3 लोग आ गए, तो अब आपका जो डायनेमिक्स होगा टू डिस्ट्रीब्यूट द मनी, दैट्स गोइंग टू डिफर, राइट. इट्स नॉट लाइक कि अब आप उस पैसे को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, हो सकता है आप किसी को ज़्यादा दें, हो सकता है आप किसी को कम दें. सो इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर ओन इंड्योरिंग डिस्पोजिशन, आपके पर्टिकुलर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका इंटेंशन क्या है, और हो सकता है सामने वाले की डिमांड क्या है. तो कीपिंग इन माइंड ऑल दीज थिंग्स कि हम टास्क का नेचर कैसा है. अगर सिमिलर टास्क होंगे तो मैं इक्वली हैंडल कर पाऊंगी, लेकिन अगर एक टास्क होगा जो बहुत ज़्यादा मेरा मेंटल एफर्ट ले रहा है और एक टास्क होगा जो मेरा मेंटल एफर्ट इतना ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहा, तो दैट्स गोइंग टू बी ईजी फॉर मी टू परफॉर्म. बट अगर दोनों ही टास्क इक्वली कॉम्प्लेक्स हैं, इक्वली न्यू हैं मेरे लिए, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज बोथ द टास्क एट हैंड. सो डिवाइडेड अटेंशन और ये जो मल्टी टास्किंग वाली चीज़ है, इट्स अलॉट डिपेंड्स कि आप किन्हीं दो टास्क में जगल कर रहे हैं. सो जैसे हमने बहुत बार देखा है अपने घर में, जो फीमेल्स होती हैं, जो हमारी मदर होती हैं, वो किचन का काम, और किचन में भी एक काम नहीं होते, बहुत तरीके के काम होते हैं, बट दे आर एबल टू डू मल्टीपल थिंग्स
एट द सेम टाइम, बिकॉज अब वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है. नाउ दे नो कि पहले कौन सी चीज़ करेंगे तो बाद में कौन सी चीज़ के लिए टाइम बच जाएगा. सो नाउ दे हैव यू नो दे हैव ऑल द लूप होल्स और ऑल द सर्वाइवल किट और छोटी छोटी टेक्निक्स टू कि कौन सी चीज़ को कहाँ प्लेस करना है. दैट्स वाई दे आर एबल टू परफॉर्म ऑल दीज मल्टी टास्किंग थिंग एंड दे आर एबल टू डिवाइड देयर अटेंशन ऑन टू थिंग्स एट द सेम टाइम विदाउट फेलिंग टू परफॉर्म एनी ऑफ द टास्क. तो इस मॉडल से जो कुछ चीज़ें जो इसका समरी निकल के आया था वो ये कि सम एक्टिविटीज़ आर मोर डिमांडिंग एंड देयरफॉर रिक्वायर मोर मेंटल एफर्ट दैन अदर्स. द टोटल अवेलेबल प्रोसेसिंग कैपेसिटी मे बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय अदर फैक्टर्स सच एज अराउजल. सेवरल एक्टिविटीज कैन बी कैरीड आउट एट द सेम टाइम प्रोवाइडेड दैट देयर एफर्ट्स डज नॉट एक्सीड द अवेलेबल कैपेसिटी. एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास कैपेसिटी है इट इज़ स्टिल लिमिटेड, राइट. तो अभी हो सकता है मैं चार चीज़ें कर पा रही हूँ बट क्योंकि मेरे को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी वो चारों चीज़ करने की तो मैंने कभी कोशिश नहीं करी, राइट. लेकिन मैं चार से पांच चीज़ें नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरी कैपेसिटी जो है वो सिर्फ चार टास्क परफॉर्म करने की है. रूल्स और स्ट्रैटेजीज एग्जिस्ट विच डिटरमाइन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. जो अभी हमने किचन में किचन का एग्जाम्पल लिया था, आर मदर्स वर्किंग इन द किचन. सो दे हैव परफॉर्म्ड यू नो दे हैव ऑल द स्ट्रैटेजीज ऑल द रूल्स कि उन्हें पता है कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पे एलोकेट करना है, कौन सी एक्टिविटी पहले करनी है, कौन सी एक्टिविटी बाद में करनी है. अटेंशनल कैपेसिटी विल देयरफॉर रिफ्लेक्ट द डिमांड्स मेड एट द परसेप्चुअल लेवल, द लेवल एट विच द इनपुट इज इंटरप्रेटेड और कमिटेड टू मेमरी एंड द रिस्पॉन्स सेलेक्शन स्टेज. सो दीज आर थिंग्स दैट यू नीड टू नो अबाउट द अटेंशन यूनिट. सो अभी एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि हमने आज क्या करा. अटेंशन विच इज़ अ लिमिटेड मेंटल रिसोर्स. डेफिनेशन एक ही दी गई है, आप बाकी डेफिनेशंस को भी रेफर कर सकते हैं बट डेफिनेशन के बेसिस पे क्वेश्चन नहीं आता. आपसे ये नहीं पूछा जाएगा एक डेफिनेशन देके कि अच्छा बताओ ये डेफिनेशन किसने दी थी. ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल प्रोसेस इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अटेंशन. हमेशा हमको लगता है कि अटेंशन मीन्स समथिंग वेरी कॉन्शियस, समथिंग वेरी इंटेंशनल, समथिंग वेरी एफर्टफुल, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है. कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो हम बहुत एफर्टलेसली बिना ज़्यादा किसी यू नो कॉन्शियस एफर्ट के कर सकते हैं. देन हाउ आर अटेंशन मैनिफेस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स. सेंसरी मोडालिटीज़ हो गया, अटेंशन फ्लक्चुएटिंग इन द सेम मोडालिटी, हाउ वी आर चूजिंग वन स्टिमुलस ओवर द अदर्स एंड हाउ द स्टिमुलस नीड नॉट ऑलवेज बी आउटसाइड आर बॉडी. एंड देन अटेंशन पे काम किस तरीके से हुआ था, बिगनिंग फ्रॉम इंट्रोस्पेक्शन टू टिचनर्स वर्क टू दिस मॉडल एंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस पार्ट इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू. सो क्योंकि इसके जो इट्स नॉट लाइक कि ये सिर्फ आप सिर्फ अटेंशन में पढ़ेंगे. हम ये वाला जो पार्ट है स्पेशली दिस पार्ट, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन परसेप्शन ऑल्सो एंड इन मेमरी ऑल्सो, दिस बोथ कि मेमरी मोटिवेशन. तो ये सारे काफ़ी रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं. सो इट्स नॉट लाइक कि हमने यहाँ पर ये चीज़ पढ़ ली तो इसका रोल यहीं ख़त्म हो गया. ये हम आगे भी पढ़ेंगे और कैसे रिलेट करते हैं एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से, दिस इज़ ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दिस एक्सपेरिमेंट बाय चेरी. डायकॉटिक लिसनिंग टास्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि दो तरीके के मैसेजेस दिए जा रहे हैं, शैडो एंड लाइव एक्सप्लेन्ड, और अटेंडेड और अनअटेंडेड मैसेज का क्या और कैसे प्रोसेसिंग होता है. दिस ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू कि अगर सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के लिए करा जाएगा तो वो अनअटेंडेड मैसेज है. जब हम किसी मैसेज को फिजिकल एज वेल एज फॉर देयर मीनिंग वी आर अटेंडिंग, दैट मीन्स इट इज़ कमिंग फ्रॉम द शैडोड ईयर. देन द थियोरीज ऑफ अटेंशन, फिल्टर थ्योरी बाय ब्रॉडपिंड. देन अटेन्यूएशन थ्योरी जिसमें हमने बस फिल्टर को रिप्लेस कर दिया विद एन अटेन्यूएटर. दैट मीन्स कि
अनअटेंडेड मैसेज भी प्रोसेस होते हैं बट बहुत वीक इंटेंसिटी के साथ. एंड देन दी मल्टी मोड थ्योरी विच इज़ अ स्टेज मॉडल जिसके 3 लेवल होते हैं. फर्स्ट इज द विजुअल, देन द सिमेंटिक एंड देन द लास्ट इज प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन जिसमें सिमेंटिक एज वेल एज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को वी आर कंबाइनिंग. सो दिस वॉज द मॉडल, ब्रॉडबिंग्स मॉडल. आपको नाम पता होना चाहिए. अगर आपके सामने कोई सिनेरियो आ रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी थ्योरी लगेगी या कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये सिनेरियो प्रेजेंट करा है. एंड पॉजनर्स वर्क जो हमने पढ़ा था, जो हम आपको PDF नोट्स देंगे, अटेंशन और परसेप्शन के नोट्स आपको साथ दिए जाएंगे, उसमें जो पॉजनर वाला थ्योरी है, जो एक्सपेरिमेंट है, उसको एक्सप्लेन करा गया है. बट अभी इट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ होती क्या है. सो दैट्स व्हाई आई शोड यू दिस लिटिल टास्क. एंड द लास्ट इज आई डिवाइडेड अटेंशन विच सेज कि हमारी कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होती है बट डिपेंडिंग कि हमारी डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने की प्रैक्टिस कितनी है, कितने टाइम से कर रहे हैं हम, कितने फेमिलियर हैं उन टास्क से या उन टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, दिस ऑल दिस डिसाइड्स कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने टास्क हैंडल कर पाते हैं. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे.